हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ का ट्राई ट्रायंगल पर है। तो इससे पहले हमने कई शेप्स की एरिया फाइंड आउट किए थे। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है वो है ट्राई ट्रायंगल्स। आपको अब ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करके बताना है। तो यहाँ पर जो समीना है वो बोल रही है कि बोथ द बिग ट्रायंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। तो यहाँ पर सादिक बोल रहा है, बट मीन्स वो क्या है, दोनों के दोनों डिफरेंट लगते हैं, एक जैसे नहीं है, तो इनका एरिया कैसे सेम होगा। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो द एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल इज, आपको बताना है कि कितना होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके 5 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे इसकी लेंथ हो गई 5 और ब्रेथ हो गई इसकी 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2। तब जब इसने बोला ही है कि ब्लू रेक्टेंगल जो है वो हाफ है, तो जाहिर सी बात है 20 का हाफ ही 10 हो जाएगा। एंड वट अबाउट द रेड ट्रायंगल, तो रेड ट्रायंगल का क्या होगा, तो उसका भी हमारा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल यहाँ पे दिए गए हैं, दो अलग अलग डिफरेंट रेक्टेंगल्स के अंदर। और यहाँ पे बोला है नाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स, सादिक इज टॉकिंग अबाउट वट इज़ द एरिया ऑफ द रेड रेक्टेंगल, एक्सप्लेन आपको यहाँ पे करना है कि जो रेड रेक्टेंगल है इसका एरिया आपको निकालना है। बट आप देख सकते हैं कि ये दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स के बीच में बन रहा है। तो सबसे पहले आपको ऑरेंज वाला जो आपका रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालना होगा, और इसके बाद आपको ग्रीन वाले का एरिया निकालना होगा, और उन दोनों का हाफ करके आप जब ऐड करोगे तो आपका ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ये ऑरेंज वाले का हो गया 12 सेंटीमीटर और ग्रीन वाले का हो गया आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का आप क्या करोगे, यहाँ पर 12 का भी आपने हाफ निकाल लिया क्योंकि ये ट्रायंगल जो आपका है वो हाफ है, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और जो 8 वाला ग्रीन वाला है इसका हो गया 4। तो 6 + 4 आपने जब किया तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका ट्रायंगल है, इस रेड कलर का जो ट्रायंगल है, इसका जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पर अगर आप सेकेंड मेथड यूज़ करो तो आप ट्रायंगल में जितने भी कंप्लीट स्क्वायर्स हैं उन्हें काउंट करेंगे तो 5 है, पार्शियल स्क्वायर आपके 10 है। तो वही फॉर्मूला आप लगाओगे, कंप्लीट प्लस हाफ ऑफ पार्शियल, तो इससे भी आपको 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आपको आंसर मिलेगा। आगे बढ़ने तो इसमें आपको आगे यही है कि आप 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के ऐसे कई ट्रायंगल्स आप बना सकते हो रेक्टेंगल्स के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है कंप्लीट द शेप। आपको जो सुरुचि है उसने दो साइड्स ड्रॉ की हैं किसी शेप की, और उसने आसिफ को बोला है इसे कंप्लीट करने के लिए कि टू मोर साइड्स इसमें ऐड करो और इसे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बनाओ जिसका एरिया क्या हो, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, ऐसा बनाओ। तो यहाँ पे जो आसिफ ने एक शेप ड्रॉ कर दी है ग्रीन और येलो कलर में। अब हम देखेंगे कि ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का हो है या नहीं है। तो इसने बोला है इज ही करेक्ट, डिस्कस करें, तो यस ये करेक्ट है। एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज़ 4 सेंटीमीटर एंड द येलो एरिया इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ग्रीन का सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे कैसे है। तो इसमें कंप्लीट हम देख रहे हैं 2 हैं और पार्शियल इसमें 4 हैं, तो ये वही फॉर्मूला यूज़ करके हो जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। और येलो का जब हम निकालेंगे तो कंप्लीट हमारे 3 हैं और पार्शियल हमारे 6 हैं, तो फॉर्मूला लगा के हो जाएगा 6। तो 6 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारे पास रेक्टेंगल है ये हमारा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट जो है इसमें दिखाया गया है कि आपके पास एक और ड्रॉ करके है, तो इसने बोल दिया कि ये अगर हम इस जो हमारा एरिया है इसको रेक्टेंगल का जो है इसे हम थोड़ी अलग शेप में बनाएं तो तब भी इसका ये जो एरिया होता है वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होता है। तो हम जब हम इसे निकालेंगे तो हाँ ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के ही इक्वल आएगा। तो इस यहाँ पे इस सुरुचि करेक्ट कि जो आपका ब्लू है एरिया है हाउ मच इज़ द ब्लू एरिया, तो ब्लू का जो एरिया है वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम है, आपको यहाँ पे एक 4 स्क्वायर सेंटीमीटर की शेप तैयार करनी है। अब यहाँ पे हमने एक बना लिया है, सी हो गया, इसमें कंप्लीट 1 है और पार्शियल में 6 हैं, तो ये हो गया आपका 4 स्क्वायर से। नेक्स्ट जो आपको पूछा है टू साइड्स ऑफ द शेप आर ड्रॉन हेयर, अब इसमें इसने पूछा है कि इट्स एरिया इज लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे आएगा ये तो खैर सॉरी फॉर दैट, बट इसका आंसर जो है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो यहाँ पे हेयर इज़ अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दिया गया है एक रेक्टेंगल जिसका पूरा 20। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पे हमने एक लाइन यहाँ पे खींच दी है स्केल से, और इसको हमें अभी हम देख लेते हैं कि ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है या नहीं आ रहा है इस ट्रायंगल का। तो ये 5 होंगे हमारे पास कंप्लीट और जो पार्शियली हो गए हमारे पास 10, तो इससे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के ही इक्वल है।
तो ये हमारा सही है। सेकेंड है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल। अब यहाँ पर इक्वल रेक्टेंगल्स में आपको डिवाइड करना है एक लाइन खींचते हुए, तो जाहिर सी बात है जब टोटल जो पूरा का पूरा हमारा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो जब हम डिवाइड करेंगे इसे तो ये हाफ हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। सी है, ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइडेड इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे, तो हमने यहाँ पर 4 ले लिया, 4, और यहाँ पर से एक और लाइन मैंने खींच लिया, ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गए हैं। तो इसमें जो है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया हम निकालेंगे, यहाँ से 4 हो गया, 2 हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो ट्रायंगल का है इसमें फिर कंप्लीट है हमारे 3 स्क्वायर से, इसमें 6, तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ऐसी वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब।